आजकल आप देखेंगे हार्ट की प्रॉब्लम्स हर एज ग्रुप में आ रही है, यहाँ तक कि एथलीट्स जो हैं, बहुत सारे लोग जो बहुत एक्सरसाइज भी करते हैं उनको भी हार्ट की प्रॉब्लम आ रही है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अनीता राजदीप रेसिपीज एंड हेल्दी लिविंग। आइए देखते हैं कि अपने खाने पीने में हम किन बातों का ध्यान रखें कि हम इन प्रॉब्लम से बच सकते हैं। इसके साथ ही साथ ओवरऑल हमें क्या करना चाहिए और किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। सिर्फ एक्सरसाइज और खाना ही इनफ नहीं होता, साउंड स्लीप और स्ट्रेस फ्री लाइफ भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। ये सारी इन्फॉर्मेशन मैंने गूगल और हेल्थ जर्नल से इकट्ठी करी है। एक्सरसाइज करना, स्ट्रेस फ्री रहना, ये तो बहुत इम्पॉर्टेंट होता ही है। इसके साथ ही साथ आपको अपनी डाइट का बहुत ध्यान रखना चाहिए। उसमें स्पेशली कुछ फ्रूट्स और वेजिटेबल ऐसे होते हैं जिनको आप अपनी डाइट में इंक्लूड करेंगे तो आपके हार्ट की प्रॉब्लम होने के कम चांसेस होते हैं। इनकी खास बात ये होती है कि इनमें फाइबर बहुत होता है। इसके साथ ही साथ इनमें एंटीऑक्सीडेंट्स और नाइट्रिक ऑक्साइड भी पाया जाता है जो कि आपको हार्ट की प्रॉब्लम से बचाते हैं। चलिए अब हम बात करते हैं फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स की जिनको हार्ट स्पेशलिस्ट, डॉक्टर्स, डाइटिशियंस और मेडिकल जर्नल्स में मेंशन किया जाता है। इसमें गार्लिक, लहसुन, प्याज, इनका बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल होता है। इसको हमें अपनी डाइट में रॉ फॉर्म में ज़रूर यूज़ करना चाहिए। इसके अलावा बीटरूट, चुकंदर भी बहुत इम्पोर्टेंट होता है। इसमें काफ़ी मात्रा में फाइबर और एंटीऑक्सीडेंट मिलता है। डॉक्टर्स लीफी वेजिटेबल्स में पालक को हार्ट हेल्थ के लिए बहुत ही अच्छा बताते हैं। ब्रोकली को भी बहुत हेल्दी माना जाता है क्योंकि उसमें एंटीऑक्सीडेंट काफ़ी मात्रा में मिलता है। हरी सब्जियां ओवरऑल हेल्थ के लिए भी बहुत ही अच्छी होती हैं। जब तक सीजन में ही आती हैं इनको ज़रूर अपनी डाइट में लेना चाहिए। टमाटर को भी हार्ट हेल्थ के लिए बहुत ही अच्छा माना जाता है। इसको रॉ फॉर्म में सैलड में ज़रूर यूज़ करना चाहिए। अनार को भी हार्ट के लिए बहुत अच्छा माना जाता है। इसके साथ ही साथ ये और भी बहुत सारी बीमारियों से आपको बचाता है। इसके अलावा जितने भी सिट्रस फ्रूट होते हैं, खट्टे फल होते हैं, वो भी आपकी सेहत के लिए बहुत अच्छे होते हैं। इनको भी अपनी डाइट में इंक्लूड करना चाहिए। जितनी भी बेरीज होती है उनमें बहुत ज़्यादा एंटीऑक्सीडेंट होता है और फाइबर होता है, इसलिए वो भी हार्ट हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है। सेब को भी अपनी डाइट में ज़रूर शामिल करना चाहिए क्योंकि सेब के अंदर बहुत मात्रा में फाइबर मिलता है, इसलिए ये बहुत ही हेल्दी होता है। इसके अलावा और भी चीज़ें जो हार्ट हेल्थ के लिए अच्छी बताई जाती हैं उसमें डार्क चॉकलेट का भी इम्पॉर्टेंट रोल होता है। डार्क चॉकलेट हेल्दी हार्ट के लिए भी इम्पॉर्टेंट होता है, साथ ही इसमें एंटीऑक्सीडेंट्स भी काफ़ी मात्रा में मिलता है। डिफरेंट सीड्स और नट्स भी हमारी सेहत के लिए अच्छे होते हैं। इसके साथ ही साथ ये हमारे हार्ट के लिए भी बहुत अच्छे होते हैं। ओट्स भी सेहत के लिए बहुत अच्छा होता है, उसमें काफ़ी मात्रा में फाइबर होता है जो कोलेस्ट्रॉल को एब्जॉर्ब नहीं होने देता, साथ ही साथ ब्लड प्रेशर को भी कम करता है। होल ग्रेन और होल ग्रेन फूड्स को भी अपनी डाइट में ज़रूर शामिल करना चाहिए, ये भी एक हेल्दी ऑप्शन होता है। ग्रीन टी और रेड वाइन को भी हार्ट हेल्थ के लिए अच्छा माना जाता है। इन सारी चीज़ों में से अगर आप कुछ को भी अपनी डेली डाइट में इंक्लूड करेंगे तो वो आपके हार्ट हेल्थ के लिए बहुत अच्छा रहेगा। आई होप आपको मेरा ये वीडियो पसंद आएगा। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। मेरा इंटेंशन है हेल्थ से रिलेटेड जितने भी इश्यूज़ हैं उन पर डिफरेंट रिलायबल सोर्सेज से इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना और उसको आप लोग तक पहुँचाना। आई होप आप मेरे इस वीडियो को अप्रिशिएट करेंगे और इसको लाइक एंड शेयर करेंगे जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका फ़ायदा उठा सकें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। लेट्स मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। अंटिल देन टेक केयर।